अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो एक ग्रॉसरी प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, फूड रेलिवेंट है। तो रफान एक बहुत अच्छी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉर्न फ्लोर बनाते हैं, कॉर्न स्टार्च बनाते हैं और कॉर्न ऑयल बनाते हैं और जेली वगैरह बनाते हैं, इसी तरह के और खाने की काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनकी जो स्पेशलिटी है, जो इनका जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, वो है कस्टर्ड। ये बनाते हैं उसके किस्म आइसक्रीम पाउडर बनाते हैं जो कॉर्नफ्लोर बेस्ड होते हैं और फ्लेवर के साथ। इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं तकरीबन इसे 20-25 सालों से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने हमेशा इसे बहुत अच्छी क्वालिटी में पाया है। तो मैं आप लोगों के लिए आज इसका एक कन्वीनियंट जो है, ऐसे लोग जिनका जो कम बजट वाले होते हैं या जो पैसे कम कमाते हैं, उनके लिए इन्होंने ये पाउच निकाला है। और इसकी जो मार्केट में प्राइस है 20 रुपये के दरमियान है। जब आप डब्बा बड़ा लेते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये बेस्ट है। ये एक साशे तकरीबन आधा किलो से एक जो है दूध के लिए काफ़ी होता है, यानी 1 लीटर के करीब अगर आप दूध इस्तेमाल करें तो आप पूरा साशे इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपका कस्टर्ड बहुत गाढ़ा और अच्छा बनेगा। तो अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 लीटर के करीब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स हैं मार्केट में, वनीला है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी है, रेसबेरी है और बनाना है। तो मैं आज ये मेरे पास 2 फ्लेवर पड़े हुए हैं, एक वनीला का और एक मैंगो का है। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए इसका रिव्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो नेट वेट है वो मैं आपको बता दूँ, 45 ग्राम है पैकिंग के साथ, ये 45 ग्राम है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने आपको बता दिए, इसमें कॉर्न स्टार्च है और जो नेचुरल जो फ्लेवर्स हैं वो डाले हुए हैं। तो जब भी आप इसे बनाएंगे आपके बेस्ट रिज़ल्ट देगा। और अगर आपके पास 250 मिलीलीटर तो आप 1 टेबल स्पून के करीब ये कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप 1 ग्लास के करीब दूध के साथ कस्टर्ड को बनाना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून के करीब आप इज़ एनफ। उसके साथ आप 2 टेबल स्पून चीनी डबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो इन्होंने लिखा हुआ है यही तरीका बताया हुआ है कि 2 खाने के चम्मच जो है आपने दूध में मिक्स करके, थोड़े से दूध में मिक्स करके, तो 250 ग्राम या 250 मिली लीटर के अंदर, क्योंकि लिक्विड को मिली लीटर में नापते हैं, तो इस तरह से आप जो है मिली लीटर का पैमाना ही यूज़ करें। जो मेजरमेंट स्केल होता है उसके साथ आप इसे मेजर करके यूज़ कर सकते हैं। 250 ग्राम जो होगा, 1 पाव बनता है दूध, उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून यूज़ कीजिएगा। और ये टोटल जो है आप पैक आउट 1 लीटर, अगर आप थिक बनाना चाहते हैं, गाढ़ा बनाना चाहते हैं, तो आप एक लीटर में इस्तेमाल करने, मैंने आपको जैसे पहले बताया। और अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 लीटर के दूध के अंदर आप डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेहमान आ जाए उनके लिए बना सकते हैं। और दोस्तों ये इजीली अवेलेबल है हर छोटे मोटे ग्रोसरी शॉप से, तो मार्ट से भी आपको मिल जाएगा, माल से भी मिल जाएगा। तो अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई और किस्म का आपका सवाल हो इसके मतलब तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा जो है मेरा रफान कस्टर्ड के हवाले से रिव्यू पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।